इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, झाजी जाएंगे वहां में छोड़ के ऑफिस। रास्ते में भी सारे और चारों ओर छठ की छटा फैली हुई थी। यहाँ भी मार्केट्स में छठ का काफ़ी सारा सामान मिल रहा था, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इस टाइम फेस्टिवल सीजन की बात ही अलग होती है, सब कुछ ऐसा लगता है उसी में मिल जाता है, और छठ जैसा फेस्टिवल उसका तो एकदम और ही अलग है। तो यहाँ हम बड़ी स्पीड के साथ चल दिए थे घर की तरफ, और कुछ ही देर में फिर हम पहुँच गए थे। और अच्छी की तो पीछे मस्ती चलती ही रहती है गाड़ी में ऑल द टाइम। तो यहाँ हम लोग चिट चैट कुछ कुछ करके और फिर ये हम पहुँच गए थे मम्मी के घर के पास। जस्सी जी को बोल दूंगा चेक मैं उठवा लेता हूं माल कितने, मतलब मेरे इन लॉज के घर के पास का। और बस उसके बाद यहाँ गली में पहुँच के झाजी ज़्यादा देर रुके नहीं, हो गए बस प्रणाम वगैरह करके निकल गए थे, क्योंकि वो भी लेट हो रहे थे। और यहाँ मैं आ गई थी अपने बहू वाले लुक में, और ये शाम का टाइम था। पापा यहाँ एक वॉश थी उसे ठीक कर रहे थे, क्योंकि मम्मी को जाना था गांव तो उन्हें लेके जाना था। ठीक क्या कर रहे थे, मतलब काफ़ी दिन से रखा हुआ था तो उसका थोड़ा सा सेल वगैरह, और ये जो पेंडुलम होता है वो नहीं वो हो रहा था, मूव कर रहा था, तो इस वजह से उसी का रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो ये सब करके फिर आ गए थे झाजी भी ऑफिस से, तो फिर वो और पापा मिल के कर रहे थे चिट चैट, और हम लोग बैठे हुए थे। फिर हम लोगों ने इंजॉय किया खन्ना का प्रसाद जो आया, उसके बाद आ गए थे हम नेक्स्ट डे पे, मतलब ये शाम वाले अर्घ वाला दिन है। यहाँ हम लोग हो गए नहा धो के अभी तैयार, अब हम बनाएंगे प्रसाद, क्योंकि आज है शाम वाला अर्घ वाला डे, मतलब डे 3 ऑफ छठ पूजा। चलो फिर हम आ गए थे अपने घर से चाची के घर। यह है चाची का घर, मतलब मेरी छोटी सासू माँ का, उनके घर पे ही हम लोग सब मिलके प्रसाद बना रहे थे। आज था थर्सडे तो मैंने येलो सूट इसीलिए पहन रखा था, और फिर प्रसाद बना रहे थे, पूजा वूजा कर ली थी अभी तक मैंने। और यहाँ अच्छी हमारे अच्छी रिकॉर्ड कर रहे थे, ये चाची बैठी हुई हैं उधर जो येलो साड़ी में, वो मम्मी हैं और मैं हूँ। तो ये एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आता है, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। जब से यहाँ बनने लगा है तो हर साल लगभग मैं पार्टिसिपेट करती ही हूँ इसमें। और ये फ्रेग्रेंस जब आती है ना, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है, इतनी प्यारी कि अच्छी तो कह रहा था एक मुझे दे दो, लेकिन जब तक प्रसाद चढ़ता नहीं है घाट पे तब तक इसको टच भी नहीं करते, बहुत सफाई के साथ इसका ध्यान रखना पड़ता है। और फिर हो गया था हमारा शाम का टाइम, यहाँ हम लोग निकल रहे थे शाम को तैयार वगैरह हो करके घाट की तरफ। झाजी पहले ही जो डाला होता है वो लेके चल दिए थे, माचिस के बिना पटाखा जलाएंगे। अरे माचिस है यहाँ, नानी दादी के पास है। आगे है, आगे जगह तभी नहीं पाएगा।
फिर यहाँ शाम का अर्घ पड़ चुका था और यहाँ मैं और अभय, ये पीछे मेरे छोटे देवर हैं और छोटे चाचा के बेटे हैं, वो जा रहे थे हम दोनों, और हम दोनों आपस में मस्ती करते हुए फिर ये आ गया था नेक्स्ट डे, मतलब मॉर्निंग वाला अर्घ। हम लोग सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके चल दिए थे घाट की तरफ। ये है घाट का व्यू सुबह सुबह, जो पवनेतिन खड़ी होती है उनकी तो भाई बस दाद देनी चाहिए, और अलग ही पावर इस टाइम देवी देती है छठ माता। हम सब बस बैठे हुए थे और मन में आराधना उनकी, मन ही मन पूजा कर रहे थे। उसके बाद यहाँ बैठ के हम चले गए दूसरे घाट की ओर। यहाँ जा रहे थे हम तीनों, चाची, मम्मी और मैं, और ये था दूसरे घाट का व्यू। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। छठ घाट से आके हम सीधे चेंज करके चल दिए थे घर की तरफ, क्योंकि झाजी की थी एक मीटिंग और हम लोगों को, मेरा भी ट्यूशन वगैरह था, तो यहाँ झाजी ने हमें छोड़ दिया था मेट्रो स्टेशन पे। तो यहाँ अच्छी और मैं वेट कर रहे थे मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो के आने का। ये अच्छी बहुत एक्साइटेड होता है जब कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, तो बहुत इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग सारा प्रसाद वगैरह लेकर के यहाँ आ गए थे और वेट कर रहे थे। फिर अच्छी को मिल गई थी सीट और मैं वेट कर रही थी। फिर ऐसे ही हम लोग पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ।
मेट्रो से उतर के फिर हमने लिया ऑटो घर तक जाने के लिए। और इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।